जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री वीडियो नंबर 21। वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालने जा रहे हैं जिसका मिडिल पॉइंट हमें मालूम हो। कोनिक एस इक्वल टू जीरो के उस कॉर्ड का इक्वेशन निकालने जा रहे हैं जिस कॉर्ड का मिडिल पॉइंट x1 y1 हो। इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड विथ मिडिल पॉइंट x1 y1 ऑफ द कोनिक एस इक्वल टू जीरो इज टी इक्वल टू s1। इक्वेशन ऑफ अ कार्ड हम नहीं लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ द कार्ड लिखेंगे। ये कोनिक है, इसके कार्ड का इक्वेशन लिखना है और वो भी ये मिडिल पॉइंट है x1 y1। ये शुरुआत करते हैं। एनी लाइन थ्रू x1 y1 इज एनी लाइन थ्रू x1 y1 इज x-x1 अपॉन l इक्वल्स टू y-y1 अपॉन m इक्वल्स टू r वेयर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इक्वल्स टू 1। r क्या चीज है ये भी चलो चर्चा कर दें। एंड आर इज द डिस्टेंस ऑफ जनरल पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट x1 y1। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म। और इसका डेरिवेशन मैं आपको समझाया था पिछले वीडियो में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। अब देखो इसी लाइन को हम बोल देंगे यही कॉर्ड है, तो चलो इसको कोनिक से मीट कराएं। तरीका क्या है, इस पर आप जनरल पॉइंट लो और कोनिक के इक्वेशन पर उठाकर रख दो, मीटिंग हो जाएगी, कॉमन पॉइंट उभर के सामने आ जाएगा। एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज एनी पॉइंट ऑन वन इज एनी पॉइंट माने जनरल पॉइंट x y की वैल्यू निकाल लो। पहला r लो, x निकाल लो, दूसरा और r लो, y निकाल लो। इससे x निकालोगे तो पहले तो lr करोगे फिर x1 जोड़ दोगे, तो x बराबर आ जाएगा x1 plus lr। इसी प्रकार से y की वैल्यू आएगी y1 plus mr। पुटिंग इट इन द इक्वेशन ऑफ द कोनिक s which is phi of xy and which is ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0 number 2 comma we have इस पॉइंट पर इस पर रख देना a into x1 प्लस एल आर होल स्क्वायर प्लस 2h x1 प्लस एल आर इंटू y1 प्लस mr प्लस b इंटू y1 प्लस mr होल स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस एल आर प्लस 2f y1 प्लस mr प्लस c इक्वल्स टू 0। r में क्वाड्रेटिक है ये, तो इसको R में क्वाड्रेटिक सजाइए। इंप्लाइज दैट R स्क्वायर के टर्म्स हम खोज रहे हैं, तो एक तो यहां आएगा ना L स्क्वायर R स्क्वायर A L स्क्वायर, फिर R स्क्वायर देखो इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे तब आएगा LM 2H के साथ प्लस 2H LM प्लस बी एम स्क्वायर, बस अब आर स्क्वायर नहीं आएगा, इंटू आर स्क्वायर प्लस
टू आर के हम कोफिशियंट ढूंढ रहे हैं, टू आर के। तो इसके स्क्वायर को जब एक्सपेंड करते हो तो दिस इंटू दिस का दूना आएगा ना, तो दूना वाला टू यहाँ ले लिए, अब दिस इंटू दिस में आर आएगा तो कितना आएगा, ए एक्स वन एल, ए एक्स वन एल प्लस इसमें आर आएगा। जब एक्स वन का मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे तो कितना आएगा, एम एक्स वन एच, टू तो ले ही चुके हैं तो ये आएगा एच एक्स वन एम प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा y1 l h, और h तो इसमें भी आना था h l, तो आप बोलिए क्या लिखना था, h y1 l। एक बार फिर से ध्यान से देख लो भाई, a x1 l आ गया, एच वाई वन एल आ गया और एच एक्स वन एम आ गया, ठीक है। अब आइए इसमें टू आर ये आ रहा जी एल प्लस टू आर एफ एम, बस ये हो गया इंटू आर प्लस बिना आर वाले ए एक्स वन स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वन वाई वन प्लस बी वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी इक्वल्स टू जीरो इम्प्लाइज दैट ए एल स्क्वायर प्लस टू एच एल एम प्लस बी एम स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ब्रैकेट में एल का एक ग्रुप और एम का एक ग्रुप बना लीजिए, L, L और L, A X1 थोड़ी सी दिक्कत हो रही इसी में दिक्कत हो रही है, टू आर के कोफिशियंट में, टू आर के कोफिशियंट में क्या क्या आएगा एक बार फिर से देखा जाए। चलो देखो इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें होगा तो कितना आएगा, एक्स वन एम आएगा और एच एच भी आएगा ना, ए एक्स वन एल क्या मामला फंस रहा है भाई, ये होता है टू एच एक्स वाई, एक्स की जगह ये रख दिया, वाई की जगह ये रख दिया, अब इसमें क्या क्या आएगा, हमें आर चाहिए, आर आएगा एम एक्स वन एच, एम एक्स वन एच और आर आएगा एल वाई वन एच, एल वाई वन एच हाँ ठीक है आ रहा है, आ रहा है भाई ठीक है, लिखा जाए एम
एक्स वन एच प्लस एल वाई वन एच और रहेगा यहाँ पे बस, इधर आएगा फिर ये आएगा प्लस एम बी वाई वन प्लस टू जी एल, टू आर चाहिए ना तो जी एल और प्लस एफ एम। अब ठीक ठीक है ठीक है एकदम ठीक है बिल्कुल। हाँ छूट रहा है यहाँ से ना, एल एक्स वन ए छूट रहा है, एक टर्म इसमें छूट रहा है एल एक्स वन ए प्लस, इसीलिए मुझे दिक्कत हो रही थी। अब चलो करो एल का बनाओ हिसाब किताब, तो एल के हिसाब किताब में एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो कितना आया ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस जी मल्टीप्लाइड बाई एल प्लस एम वाले में आएगा एच एक्स वन प्लस बी वाई वन और प्लस एफ मल्टीप्लाइड बाई एम ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाइड बाई आर और प्लस ये क्या चीज़ है ये एफ आई एक्स वन वाई वन इक्वल्स टू ज़ीरो। नंबर तीन, अब वही हम दुहाई देंगे कि ये आर में क्वाड्रेटिक है इसलिए आर की दो वैल्यूज देगा, इसलिए दो कॉमन पॉइंट्स आएंगे, जाहिर सी बात है आने भी दीजिए ये दो कॉमन पॉइंट्स हैं। फिर हम तर्क देंगे क्योंकि अगर इक्वेशन नंबर वन क्वाड है और ये मिडिल पॉइंट है तो अब ये कॉमन पॉइंट ये कॉमन पॉइंट मिडिल पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट से दूरी, तो अब यहाँ से दूरी इसकी ऐसे नापेंगे और इसकी दूरी ऐसे नापेंगे, तो चूंकि ये मिडिल पॉइंट है इसलिए ये डिस्टेंस मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे लेकिन साइन उनका अलग अलग होगा, डायरेक्शन अलग अलग है, यानी कि जो दो वैल्यूज़ आर की आ रही हैं उनका सम जीरो होना चाहिए, रूट्स का सम जीरो होना चाहिए, यही सब ये बातचीत करें। और उसके बाद एल एम को हम एलिमिनेट कर देंगे। इट इज क्वाड्रेटिक इन आर, इट इज क्वाड्रेटिक इन आर कामा गिविंग टू वैल्यूज ऑफ आर, गिविंग टू वैल्यूज ऑफ आर एंड सो टू कॉमन पॉइंट्स, टू कॉमन पॉइंट्स प्लीज इफ वन इज द chord of the conic and x1 y1 is the middle point of the chord then some of the distances of the common points Sum of the distances of the common points from the fixed point, ये figure जरूर बना लीजिएगा, from the fixed points, sorry, from the fixed point x1 y1 must be zero. Due to being of equal magnitudes, due to being of equal magnitudes, and opposite signs. And opposite signs. It means that the sum of the roots
The sum of the roots of equation 3 is 0. And for this, we have quadratic equation का roots अगर 0 हो तो क्या होगा? B equal to 0. Sum of the roots 0 है ना? तो sum of the roots कितना होता है? Minus B by A. ये है sum of the roots equal to 0. That is B equal to 0. अपने इस संदर्भ में इसका क्या अर्थ हुआ? B माने R का coefficients 0. ए आर स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर से लिख देना, यहां पे ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी इक्वल टू जीरो ऐसे लिख लो. तो सम ऑफ द रूट्स होगा माइनस बी बाई ए इक्वल टू जीरो, यानी बी इक्वल टू जीरो, यानी कि ट्वाइस ऑफ दिस इक्वल टू जीरो, यानी कि टू भी हटा दिए. Equals to 0. Number 4. Eliminating L and M. L M को generalize कर रहे हैं ना, भाई बहुत सारे chord ले सकते हैं ना इस तरीके से. बहुत सारे से मतलब ऐसे ही थोड़ी ले सकते हैं, ऐसे भी तो chord ले सकते हैं, ये भी chord ले सकते हैं. उनका मिडिल पॉइंट हमें मालूम है तो उसका इक्वेशन निकालना है. तो एल और एम को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा. एलिमिनेटिंग एल एंड एम बिटवीन 1 एंड 4, वी गेट 1 क्या था, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एम इक्वल टू आर. तो L की वैल्यू क्या खींच के लाएंगे, x माइनस एक्स वन अपान आर, और m बराबर होगा y माइनस वाई वन अपान आर. यही सब रख दो बेटा, ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस जी इंटू एल. एल माने एक्स माइनस एक्स वन अपान आर प्लस एच एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस एफ इंटू एम माने वाई माइनस वाई वन अपान आर इक्वल्स टू जीरो. वन बाई आर, वन बाई आर कॉमन लेके उधर फेंक देंगे जीरो के पास. इंप्लाइज दैट ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस जी मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस एक्स वन प्लस एच एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस एफ मल्टीप्लाइड बाई वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू जीरो. नंबर 5, यही उस कार्ड का इक्वेशन है जिसका मिडिल पॉइंट एक्स वन वाई वन है. इसको स्पेशल फॉर्म में हम सेट करेंगे, स्पेशल फॉर्म, या ऐसे न लिख करके सीधा सीधा एक स्टार बनाइए, कुछ काम शुरू करिए इसे. ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस जी इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस एच एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस एफ इंटू वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू जीरो. इंप्लाइज दैट ए एक्स वन एक्स, ऐसे लिखना ज्यादा, ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस जी मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस जी मल्टीप्लाइड बाई एक्स वन प्लस एच एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस एफ मल्टीप्लाइड बाई वाई माइनस एच एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस एफ मल्टीप्लाइड बाई वाई वन इक्वल्स टू जीरो. एक्स वाई के टर्म्स को बाएं रोक लें, बकिया सबको दाहिने कर लें. इंप्लाइज दैट ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस जी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस
एच एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस एफ मल्टीप्लाइड बाई वाई इक्वल्स टू ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस जी मल्टीप्लाइड बाई एक्स वन प्लस एच एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस एफ मल्टीप्लाइड बाई वाई वन। Implies that ax1x plus h y1x plus gx plus h x1y plus b y1y plus fy equals to ax1 square plus h x1y1 plus gx1 plus h x1y1 plus b y1 square plus fy1. Implies that ax1x plus h into h वाला टर्म दो है ना ब्रैकेट में एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई हो गया प्लस बी वाई वन वाई प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई इक्वल्स टू ए एक्स वन स्क्वायर प्लस एच ये एच वाले दो हैं दोनों ऐड हो जाएंगे ये वाला प्लस टू एच एक्स वन वाई वन प्लस बी वाई वन स्क्वायर प्लस जी एक्स वन प्लस एफ वाई वन प्लस बस 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 इससे टू जी एक्स वन इससे टू एफ वाई वन और प्लस सी ये नहीं है इस कमी को पूरी करने के लिए एडिंग क्या क्या ऐड कर रहे हो भाई जी एक्स वन प्लस एफ वाई वन प्लस सी टू बोथ द साइड्स वी हैव ए एक्स वन एक्स प्लस एच इंटू एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई प्लस बी वाई वन वाई प्लस जी ब्रैकेट में एक्स वन प्लस एक्स प्लस एफ ब्रैकेट में वाई वन प्लस वाई इक्वल्स टू ए एक्स वन स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वन वाई वन प्लस बी वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी दैट इज इसे हम लिखते हैं टी इक्वल टू ये क्या चीज है एस वन हो गया यही लाना था एस वन माने एस की वैल्यू एक्स वन वाई वन पर और टी हम उस एंटिटी को कहेंगे ताकि टी इक्वल टू जीरो टेंजेंट का इक्वेशन जैसा हो जाए तो यही तो है प्लस सी लिखना भूल गया ना इधर बाई तरफ प्लस सी और इक्वल टू यही डेरिवेशन था शुरू में तो लिख ही दिया गया था क्या हम निकालने जा रहे हैं कोनिक एस इक्वल टू जीरो के उस कॉर्ड का ये इक्वेशन है जिस कॉर्ड का मिडिल पॉइंट एक्स वन वाई वन है ओके वीडियो लाइक करिए थैंक यू बातचीत जारी रहेगी और अगले वीडियो में हम थोड़ा आइडिया दे दें क्या पढ़ाएंगे आपको अगले वीडियो में हम डायरेक्टर सर्किल की बातचीत करेंगे डायरेक्टर सर्किल थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्फीयर पढ़ते समय आप डायरेक्टर स्फीयर पढ़ते हो सेंट्रल कोनिकॉइड में इलिप्सॉइड वगैरह में भी आप पढ़ते हो तो उसी जैसा यहाँ भी है डायरेक्टर सर्किल इलिप्स एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू वन के ऑक्सिलियरी सर्किल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही सब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में थैंक यू वेरी मच